नमस्कार, डीवी भारती समाचार देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी का सफाया तय, 2022 में सपा सरकार बनते ही। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में सीएम योगी बोले, किसानों का डेटाबेस बनाकर सभी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। ओवैसी आज करेंगे वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित, मुसलमानों के साथ दूसरे शोषित वर्गों पर करेंगे बात। बसपा विचार संगोष्ठी में मायावती बोली, संबुद्ध सम्मेलन कामयाब, 2007 की तरह ही बनाएंगे सरकार। मुख्तार अंसारी की आजमगढ़ और लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, कार्रवाई जारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जनपद के निचलौल एवं नौतनवा तहसील क्षेत्र के गांव बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई गांव के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ितों को राशन किट वितरित की। वित्त मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ से प्रभावित हर व्यक्ति तक तत्काल राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव केवल ट्वीट और मीडिया के माध्यम से अपनी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत पर राजनीति करती है। प्रदेश में ना कहीं किसान नाराज है और ना ही शिक्षक। हमारी सरकार सबके प्रति संवेदनशील है और सबकी चिंता करती है। किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, वो महापंचायत कर अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम किसान के फायदे के लिए किसान बिल लेकर आए हैं, उसमें अगर किसानों को कोई कमी दिखती है तो वो अपना सुझाव दें, उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। आज जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो है समीक्षा बैठक भी की गई है और लोगों को राशन वितरित किया गया है, क्या है पूरा आपका कार्यक्रम? बाढ़ एक दैविक आपदा है और निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र में इस तहसील में करीब बाढ़ से 25 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें से 12 गांव पूर्ण रूप से सड़क से कट गए थे, जिनको मैरिंड घोषित किया गया है। और आज मैं उसी के तहत आया था कि जो सरकार हमारी, जो हमारी संवेदनशील सरकार योगी जी की सरकार है, और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी जब भी कोई आपदा आती है तो जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज उसी के तहत जो जिनको कभी फसल डूब गया है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, उसके तहत तत्काल राहत में एक क्षणिक चावल है, दाल है, मिर्च है, मसाला है, भुजा है, नमक है, मोमबत्ती है, ये सारा चीज़ भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ सर्वे भी हो रहा है कि जो बाढ़ में जिनका मकान गिरा है उनको भी मकान निर्माण कराया जाएगा, जिनका फसल का नुकसान हुआ है उनके फसल की भी भरपाई हम लोग करने वाले हैं, और जितने भी बाढ़ के समय पुल या पुलिया या सड़क कट गए हैं उन सड़कों का भविष्य में कैसे जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए, उसकी एक समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है और जनता के बीच में आकर के उनसे खुद रूबरू होकर के उनके दुख दर्द को जानने का हमने प्रयास किया। मंत्री जी, आने वाले समय में किस तरह से बाढ़ की विभीषिका से महाराजगंज को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, बाढ़ की विभीषिका से जब से योगी जी की सरकार आई है, जो पहले बरसात के समय ही बंधों पर काम होता था, लेकिन हमारी सरकार जब से आई बरसात के 4-6 महीना पहले से ही बंधों का निर्माण या बंधों का मरम्मत या बंधों का पिचिंग कराने का काम किया। इसी कारण से, चूँकि ये नेपाल से पानी आता है, नाला इसके माध्यम से आता है, ये नदी के माध्यम नहीं होता है। अभी आप हमारे ज़िले में देखें तो ऐसा बड़ा कोई बांध नहीं टूटा, ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार का ही प्रयत्न था। और इस बार जो नाले के सफाई ना होने के, जंगल में होने के नाते नहीं हो पाया था, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महौ नाले का जो जंगल का भाग है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि निश्चित तौर से उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, सपा के अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को भेजते हुए कहा कि कल पश्चिमी यूपी में किसानों ने घेरा है, दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में शिक्षकों और आम जनता ने, तो क्या कहना है इसको? अब यहाँ तो मैं भी घूम रहा हूँ, हमको तो कोई नहीं घेर रहा है। अब उनको घेरा हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या कहना अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट किए हैं, कहे हैं? जैसे अखिलेश जी केवल ट्वीट और मीडिया के माध्यम से ही राजनीति करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत पर राजनीति करते हैं। और प्रदेश में कहीं ना किसान नाराज है, ना शिक्षक नाराज है, क्योंकि हमारी सरकार सबके प्रति संवेदनशील है और सबकी चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी, कल किसान महापंचायत को लेकर क्या कहना है आपको? कल
ठीक है, हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो महापंचायत कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार भी बार बार कह रही है कि हम किसान बिल लाए हैं उनके फायदे के लिए लाए हैं। और उसमें अगर मथुरा बलदेव ब्लॉक शवागर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग व ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा ली गई आशाओं की बैठक के दौरान आशाओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, जिसमें आशाएं ग्राम पंचायत वार अपने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल कर ब्लॉक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारियों को रिपोर्ट देंगी। सोमवार को बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी, खंड विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह के द्वारा आशाओं की बैठक ली गई। इस बैठक में बलदेव ब्लॉक की सभी आशाएं मौजूद रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि इन दिनों जो बीमारियां चित्र में पनप रही हैं, उस संबंध में आशाओं के जरिए हासिल हो सके जानकारियां। ये सभी बातें दोनों ही अधिकारियों द्वारा आशाओं को दी गयी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी का खंड विकास अधिकारी बलदेव ऋषिपाल सिंह ने बताया। देखिए, आज हमने जो आशाओं की बैठक आयोजित की है, उसका जो मुख्य फोकस तो संचारी रोग के लिए ही है, जिसमें हम आशाओं के माध्यम से और आंगनबाड़ियों के माध्यम से घर घर सर्वे कराएंगे और उस सर्वे में जो भी बच्चे में बुखार या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हुए पाए जाएंगे, तो उनका एक लाइन लिस्ट बना के उनको जो है दिन में दो बार व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से या फिर किसी और ऐप के माध्यम से या मैसेज से लोगों को भेजेंगे और उसके बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे कि बुखार है तो बुखार का क्या क्या है, कहाँ कैंप लगाने की ज़रूरत है, कहाँ मलेरिया टाइफाइड डेंगू की जांच करानी है। तो ये एक विस्तृत पूरा एक 16 तारीख तक एक अभियान चलाने के पूरे बलदेव ब्लॉक में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो संख्या निकल के आएगी उनका हम ट्रीटमेंट देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बलदेव ब्लॉक में कोई भी मामला ना पड़े। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और हम पे हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है साथ ही बैठी हुई है, जिसमें आशा लोगों की बैठक है। ये आशा लोगों की बैठक पिछले 3-4 दिन फील्ड में काम करने के बाद ली गई है। इसमें दो फोकस रखे गए हैं, एक तो वो हमें ये बता दें कि क्षेत्र में किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, काम करने में क्या प्रॉब्लम है, और दूसरे निर्देश जो हम दे रहे हैं वो इनको सेंसिटाइज करने के लिए कि कोई भी केस या तत्काल रूप से इनको चिन्हित किया जाता है तो ब्लॉक में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या SDM साहब के पास तत्काल रूप से सूचना दी गई। अपने ये लोग रजिस्टर मेंटेन करने हैं, उस रजिस्टर में नाम लिख लें कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उम्र क्या है, कोई और खास लक्षण है उसको भी नोट डाउन कर लें और उसकी हर दिन में दो बार दोपहर में और रात में ये रिपोर्ट जरूर कर दें CSC पे। इसी सेंसिटाइज प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठक ली। इटावा ग्राम पंचायत कल्याणपुर में वैक्सीनेशन के नाम पर खाना पूर्ति करने पहुंची एक टीम, लेकिन टीम में सिर्फ एक लोग ही पहुंचा। सुबह से लेकर अभी तक वैक्सीनेशन का कार्य मजाक बना हुआ है। गैंग के लोग लगातार भीड़ लगाए वैक्सीन लगवाने के इंतजार कर रहे हैं। वही पूरी तरीके से वैक्सीनेशन की पोल खुलती नजर आ रही है। वैक्सीन टीम के पास ना तो दवाई है और ना ही कॉटन। बिना कॉटन के सुबह से लगाई जा रही है वैक्सीन। गांव के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन जनता को कराने की बात कह रही है, लेकिन वैक्सीनेशन टीम अपनी लापरवाही बरतने में पीछे नहीं हट रही। जब जनता टीवी टीम मौके पर पहुंची तो वैक्सीनेशन करा रही मैडम हड़बड़ाकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, और जब फंसते देखा तो गांव से पुरानी कॉटन मंगवा कर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जनता के लिए घातक बीमारी की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। दोबारा कितने लोगों को नाइन्टी लोगों और आपके साथ वैक्सीनेशन करने वाले कर्मचारी कितने आए हैं आपके साथ? बस यही लोग, ये गांव की हो गई। आपके साथ आप अकेली आई हैं क्या? 17 और यहाँ दवा वगैरह है? फिरोजाबाद के विकास खंड टूंडला के ग्राम मदावली में माननीय प्रमुख सचिव व नोडल अधिकारी महोदय श्री सुधीर एम बोबड़े द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायक समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी भ्रमण किया और समूह की महिलाओं से उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में भी जाना व चर्चा की और समूह के कार्य को सहारा। स्वराज महिला SHG की अध्यक्ष शिव कुमारी दीदी द्वारा बनाया गया कि उनके द्वारा बीसी सखी का कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्यालय ग्राम पंचायत में ही खोला गया है।
सुमन दीदी द्वारा बताया गया कि आरती का सामान बनाकर आसपास के मंदिरों में बिक्री करती हैं। इसके बाद ग्रामवासियों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और जन की शिकायतों को सुना। इस दौरान माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय फिरोजाबाद, श्री चर्चित गौड़, उप जिला अधिकारी महोदय टूंडा श्रीमती बुसरावानो, जिला विकास अधिकारी महोदय श्री महेंद्र प्रताप यादव, उपायुक्त रोजगार फिरोजाबाद श्री राजेश कुमार कुरील, जिला मिशन प्रबंधक आसिफ सौरभ और राहुल व अन्य मिशन स्टाफ व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो बहुत 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 बधाई आपको। अब मैं चलिए बैठी, बहुत बधाई आपको। कुछ कहना बचाई सभी अतिथियों को मेरा नमस्ते, सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शिव कुमारी है, मैं ग्राम मनावी की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम स्वराज स्वयं सहायता समूह है और मेरे ग्राम मैं अध्यक्ष के कार्य का कार्य करती हूँ और मेरे ग्राम संगठन का नाम एकता योजना समाधान आजीविका महिला ग्राम संगठन है। इस ग्राम संगठन की मैं लेखापाल का कार्य करती हूँ और मेरे CLF का नाम आस्था जीवन ज्योति प्रेरणा संपूर्ण स्त्री संगठन है, इसकी भी मैं लेखापाल का कार्य करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अब इस ग्राम पंचायत मदावली की बीसी सभी की पंचायती हूँ। जो भी भाई ताऊ चाचा ताई वो भी व्यक्ति मेरे यहाँ ऐसा ट्रांजेक्शन करने और लेन देन करने आ सकता है, खाता भी खुलवा सकता है। और मैं आपको FPO के बारे में बताऊँ, हमारे यहाँ सिकोबाद में एक FPO बनाया गया है जिसमें हमारी 600 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने हर एक महिला ने 3000 रुपए का शेयर दिया है, जो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जैसे कि हमारे यहाँ जो आलू चिप्स की फैक्ट्री लॉन्च हुई है, जिससे जो पैकेट MRP रेट है उसका 5 रुपए रेट है, जो कि महिलाएं जो हमारे जो FPO की दीदी है उन्हें वो 3.5 रुपए का मिलेगा और जो हमारी कुल लागत है जो बनकर तैयार होगा वो हमारा 2.5 रुपए में बनकर तैयार होगा, उसके बीच में 2.5 से 3.5 रुपए का 1 रुपए का प्रॉफिट और प्लस 3.5 से 5 रुपए का ये भी दोनों प्रॉफिट वो कमा सकती है। हमारी सभी दीदियाँ मिलजुलकर इस काम को कर रही है, धन्यवाद। नहीं देखिए आप तो देखो जहाँ पैसा होगा, ये शिव कुमारी देखो पैसे के मामले में एक्सपर्ट हो रही है। देखो मैं चाहूँगा कि शिव कुमारी आप सब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो एयरटेल बैंक से है, जो दिव्यांग पेंशन और महिलाओं की पेंशन, निराश्रित मृत्यु के पति के मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, इसका ये सौरभ जैन के साथ मिलकर आप भुगतान शुरू कर दीजिए और लोगों को बताएं कि उनके खाते से एको पैसा नहीं कटेगा, उनको पूरा पैसा मिलेगा, बैंक से कोई पैसा नहीं कटेगा, ये बताइए, बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। भाई अंत में आप 2-3 प्रश्न जो आपसे घर से जुड़े हुए हैं मैं पूछना चाहूँगा। एक तो बताइए मुझे कि यहाँ पर निराश्रित गोवंश या निराश्रित देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।